सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हूं और ना बनना भी चाहता हूं उसका। बाल साहब थोड़ा तो आए थे, मेरे ख्याल से हम लोग के नोट्स एक्सचेंज होते रहते हैं वहां पर, और उसी पे हम लोग के नोट्स एक्सचेंज हुए। अब देखना है, यह है कि आज की जो मीटिंग जब होगी तो उसमें क्या नए मुद्दे आते हैं उसको देखना होगा, और उस पर क्या निर्णय लेते हैं महाविकास आघाड़ी उसको भी देखना होगा हम लोग को। सर, संजय राउत से आज सवाल किया गया कि आज महाविकास आघाड़ी की मीटिंग है, आप भी आने वाले हैं, उनसे पूछा गया कितने बजे मीटिंग होगी, तो ये तो बताया 4 बजे मीटिंग होगी लेकिन जगह नहीं बताई। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत शरद पवार के घर जाएंगे, वहां मीटिंग होगी, और एनसीपी के भी कोई सीनियर लीडर सिल्वर। देखिए ये तो मीटिंग का सिलसिला तो चलता रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है, इंटरनल मीटिंगें चलती रहेगी आपस आपस में। आप जैसे कह रहे हैं वैसे मैं भी हूं कि मुझे आज मीटिंग है करके बताया गया है, जगह कहाँ है ये बताया नहीं गया है, और हम लोग ने उनसे इतना ही कहा कि 6 बजे के पहले अगर मीटिंग होती है तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि नई बम्बई में जो है वो आज हम लोग ने पब्लिक मीटिंग है, तो एश्योरेंस इतना ही मिला है कि मीटिंग उसके पहले होगी। सर आपने एक लेटर भी लिखा है कि एनडीए ने, वो तो पब्लिक इसमें डोमेन में है लेटर, तो आप तो उस पर कोई टिप्पणी करना जरूरी है, ऐसा नहीं मानता। अभी दीपक केसरकर का भी एक बयान आया, ये खबरें चल रही हैं कि ये कहा कि रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे प्रधानमंत्री से जाके दिल्ली में मिले, और संजय राउत से भी पूछा गया तो ये कहा गया कि अगर मिले हैं तो पीएमओ की तरफ से कोई फोटो दिया जाए, या ये सब किस तरह से देखते हैं? देखिए ये पब्लिसिटी तो चलती रहेगी। देखिए अब ऐसा है कि जिसको बयान करना है, जिसपे आरोप करना है, उन्होंने उसके साथ साथ मेरे ख्याल से उस पर विश्वास रखने के लिए एक बात जो करनी चाहिए कि आपको उसमें एक प्रूफ देना होता है, नहीं तो पॉलिटिकली जो है ये पॉलिटिकल आरोप हो जाते हैं फिर, और मैं नहीं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे के ओर से ऐसी कोई बातें होगी, ये तो मेरे ख्याल से पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा मैं मानता हूं। सर जो सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं तालमेल नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो डिसीजन है वो दिल्ली से लिया जाएगा, क्या क्या कहते हैं? मुझे अभी भी बाल साहब थोड़ा जो आए थे, जो मैंने बातें सुनी थी, मैंने उनसे दोबारा दोहराया कि मैंने कहा आप और शिवसेना में कम से कम 10 सीटों का मामला है, बोले हाँ। दूसरा है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनमें 5 सीटों का मामला है जो तय नहीं हो पा रहा है, तो बोले हाँ ये बात सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है ये दिल्ली में होगा, इसलिए हमने पिछले बार भी मीटिंग में जो थे डॉक्टर धैर्यवान फुनकर, तो उन्होंने कहा फिर मीटिंग जो है वो दिल्ली में करते हैं और वहां पर रिजॉल्व करते हैं, तो ये मुंबई में मीटिंग के बजाय दिल्ली अगर मीटिंग होती है तो मेरे ख्याल से इसमें रास्ता निकल जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। रोज सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि आज सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी और मीटिंग हो चुकी है, सब फाइनल हो चुका है। ये सवाल आप एमबीए के पदाधिकारियों से पूछे, नेताओं से पूछे, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका, क्योंकि मैं एमबीए का पार्ट नहीं हूं, वो जब बुलाते तब हम लोग जाते उसमें बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भैया समझौता हो जाए और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी की है, बीजेपी की है, उसको हम लोग निकाले। सर आपने नरेंद्र मोदी बीजेपी की बात की, आज सुबह जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग हैं जो आरएसएस का एजेंडा लेके चल रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी वो वैसे नहीं है और उनपे हमें, मेरे ख्याल से कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की बात ना करे, ना मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा हूं, ना मैं खुद सर्टिफिकेट दूंगा, ऐसी परिस्थिति है उसमें।